फील्ड ड्यू टू सम कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, जहां काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ना हो बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, जैसे हो सकता है रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसे केसेस में फील्ड कैसे निकालते हैं हम इसको डिराइव करेंगे वन बाय वन। पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं जो तुमको याद रखना है। पहला, फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज एट एक्सियल पॉइंट, ड्यू टू लीनियर चार्ज। ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक रॉड है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा दिया हुआ है चार्ज पर यूनिट लेंथ इन कूलम्ब पर मीटर, चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। आपसे कहा गया है इसी लाइन पर एक पॉइंट है, यहां पर इसकी लेंथ एल, इसकी टोटल चार्ज है क्यू, टोटल लेंथ एल, इसकी टोटल चार्ज क्यू है और इसकी टोटल लेंथ एल है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, क्यू बाय एल। अब कहा गया है कि यहां से आर डिस्टेंस पे, इस एंड से आर डिस्टेंस पे आपको फील्ड निकालना है, इस एंड से आर डिस्टेंस पे यहां फील्ड निकालना है। तो यहां फील्ड का एक्सप्रेशन होता है ई इज इक्वल टू के क्यू, के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर इंटू आर प्लस एल। फील्ड होता है के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट नहीं, डिवाइडेड बाय दिस आर इंटू ये एंड का डिस्टेंस इंटू इस एंड का डिस्टेंस। ये फील्ड का एक्सप्रेशन होता है, याद रहेगा, इसको याद रखना है, मैं डिराइव करूंगा एक एक करके। सेकेंड, ड्यू टू ए लीनियर चार्ज, ये था एट एक्सियल पॉइंट, ड्यू टू लीनियर चार्ज एट नॉन एक्सियल पॉइंट। समझना इस बात को, ये थ्रेड है, ये धागा है, ये धागा है, और इस धागे के ऊपर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये धागा है, ये थ्रेड है, ये थ्रेड है जिसके ऊपर तुमने क्या किया, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, ये एक लीनियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका भी लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा क्या है इसका, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तुमसे कहा गया है कि इस पॉइंट पे इस लीनियर चार्ज से, कहां से कहां तक है चार्ज, ए से लेकर बी तक है चार्ज, इसके परपेंडिकुलर अगर तुम ड्रॉप करते हो, और तुमसे कहा गया है कि यहां से आर डिस्टेंस पे फील्ड कितनी होगी, यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहां फील्ड कितनी होगी, एग्रीड। यहां जो फील्ड बनेगा, इस फील्ड का दो कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा लेंथ के परपेंडिकुलर ई एक्स, और एक बनेगा थ्रेड के पैरेलल, एक बनेगा थ्रेड के पैरेलल, कितना बनेगा ई वाई। कैसे निकालेंगे, फिर से बता रहा हूं, फॉर्मूला बता रहा हूं, बाद में हम इसको ड्राइव करेंगे। इसको यहां से ज्वाइन कर दो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, मान लो ये एंगल है थीटा और ये एंगल है मान लेते हैं अल्फा, या ये है थीटा ये अल्फा मान लो। ईएक्स की वैल्यू होती है के लैम्डा, के मतलब क्या है, 1/4 pi epsilon naught, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, ये होता है साइन थीटा प्लस साइन अल्फा, साइन थीटा प्लस साइन अल्फा।
और EY होता है के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर। तुमने फील्ड ऊपर लिया है, तुमने फील्ड जो है ऊपर लिया है, समझो। मैंने फील्ड ऊपर दिखाया, मैं उसको नीचे भी देखा सकता हूं। मैंने फील्ड दिखाया है ऊपर, मैंने फील्ड दिखाया है ऊपर। तो अगर फील्ड मैंने दिखाया ऊपर, तो मैं एंगल पहले लूंगा ये वाला, कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा। कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा, एक मिनट। नहीं, कॉस थीटा माइनस कॉस, देखो यहां समझ गए, यहां समझ गए फील्ड क्या करेंगे, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा प्लस साइन अल्फा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों में प्लस है। यहां देखो, यहां माइनस होता है, इसीलिए आउट ऑफ अल्फा एंड थीटा कौन सा एंगल पहले लेंगे। अगर तुम फील्ड ऊपर दिखा रहे हो और तुम फील्ड ले रहे हो ऊपर, तो थीटा लोगे पहले, अल्फा लोगे बाद में। और अगर हम फील्ड नीचे दिखाते तो कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा लिखते, समझ रहे हो। पहले फॉर्मूला समझ रहे हो कि नहीं, सो बताओ। डेरिवेशन तो बाद की बात है। मैंने क्या बोला है, ये एक रॉड है, ये एक लीनियर थ्रेड है, इसके ऊपर अभी तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक थ्रेड है, इस पे चार्ज तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस लाइन पे, इस लीनियर थ्रेड पे तुमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तुमसे यहां पर पूछा गया फील्ड कितनी होगी, यहां पर फील्ड कितनी होगी, इस थ्रेड के कारण यहां फील्ड कितनी होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने इस पॉइंट को इस एंड से और इस एंड से ज्वाइन कर दिया। इस एंड पर एंगल ये बना रहा था अल्फा, और इस एंड पर बना रहा था थीटा, यहां थीटा और यहां बना रहा था अल्फा। जो इसका रेडियल कंपोनेंट होता है बाहर की तरफ, वो होता है के लैम्डा बाय आर। के है 1/4 pi epsilon naught, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, आर है डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रेड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रेड, साइन थीटा प्लस साइन अल्फा। और यहां पर के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा। तो यहां पर समझो, यहां पे तो अल्फा पहले लो या थीटा और अल्फा को इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहां थीटा अल्फा को इंटरचेंज करोगे तो नेगेटिव साइन बन जाएगा। तो यहां ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम जिस साइड फील्ड ले रहे हैं, मैंने फील्ड ऊपर की तरफ लिया है, मैंने फील्ड ऊपर की तरफ लिया है, तो मैं कॉस थीटा पहले लूंगा, कॉस अल्फा बाद में लूंगा, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा। यहां कोई डाउट है किसी को, फॉर्मूले में किसी को डाउट है कैसे लिखते हैं? हाँ बताओ, लिखो लिखो, इसको इसको लिखो। अगर आप इस केस में जानना चाहते हो व्हाट इज द नेट फील्ड, और आप इस केस में जानना चाहते हैं व्हाट इज द नेट फील्ड हियर, इस पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ईवाई स्क्वायर। नेट फील्ड क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। थर्ड, आर्क ऑफ ए रिंग, किसी रिंग का आर्क है, मतलब ये एक रिंग है, मान लो ये एक रिंग है, ये एक रिंग होता, ये एक रिंग होता, लेकिन आपका क्या है, इस रिंग का एक टुकड़ा ही है, पूरा रिंग नहीं है, ये इस रिंग का एक टुकड़ा है, यहां से यहां तक एक रिंग का टुकड़ा है, और आपको इसके सेंटर पे
आपको इसके सेंटर पे, इस आर्क, इस सर्कल के सेंटर पे फील्ड निकालना है। ये जो रिंग है इसकी रेडियस है आर, रेडियस है आर, लैम्डा इसका दिया हुआ है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये दिया हुआ है कि ये जो आर्क है ये एंगल सबटेंड करता है थीटा। यानी अगर मैं इसकी एंगल बायसेक्टर ले लूं, अगर मैं इस एंगल का एंगल बायसेक्टर ले लूं, तो फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, फील्ड इज अलोंग द एंगल बायसेक्टर। ये कितना है थीटा बाय टू, ये कितना है थीटा बाय टू, समझ रहे हो। ये एक किसी रिंग का टुकड़ा है जो अपने सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है कितना थीटा, तो हम इसका एंगल बायसेक्टर ले लिए। फील्ड की वैल्यू होगी, फील्ड की वैल्यू सेंटर पे होगी 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय टू, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय, k क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने k नाम दिया है, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय टू अलोंग द एंगल बायसेक्टर, अलोंग द एंगल बायसेक्टर। ठीक है, याद रहेगा। पॉइंट नंबर फोर, ड्यू टू ए यूनिफॉर्म रिंग, ड्यू टू ए रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट, ड्यू टू ए रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट, इसका मतलब क्या है समझो। मेरे पास एक रिंग है, मेरे पास एक रिंग है इस तरह से, ये रिंग किसमें है, मान लेते हैं ये जो रिंग है ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, और ये रिंग जो है एक वाईजेड प्लेन में है, दिस ये रिंग, इस पे चार्ज है क्यू, इसकी रेडियस है आर, और ये मान लेते हैं वाईजेड प्लेन में है। इसका मतलब ये जो है कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, समझ रहे हो ना। ये एक रिंग है इस तरह से, ये एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक रिंग है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम इसके एक्सियल पॉइंट पे, उसके सेंटर पे प्लेन के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे कहीं फील्ड निकाल रहे हैं। तो यहां जो फील्ड निकलता है, यहां जो फील्ड निकलता है किस डिस्टेंस पे, यहां से एक्स डिस्टेंस पे यहां जो फील्ड निकलता है इसकी वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, के क्यू इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये किसी एक्सियल पॉइंट का फील्ड है, इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा, इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो कितना निकलेगा, के क्यू इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। लिखो इसको, ये सारे फॉर्मूले ग्रेविटेशन और रोटेशन कॉमन है, दोनों में याद रखना रखना है। चौथा, फोर्थ था ना कि फिफ्थ था फिफ्थ है, फील्ड ड्यू टू ए डिस्क ऑफ चार्ज। डिस्क ऑफ चार्ज का मतलब है ए लेयर ऑफ चार्ज, ए सीट ऑफ चार्ज, ए सर्कुलर सीट ऑफ चार्ज, ए सर्कुलर सीट ऑफ चार्ज। इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह से ये डिस्क है और इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
एक डिस्क है और इसके ऊपर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक लेयर के फॉर्म में। मान लेते हैं ये एक डिस्क है जिसके ऊपर एक चार्ज का लेयर है, सिग्मा दिया हुआ है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं चाहे तो टोटल चार्ज क्यू बाय टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। ये यूनिफॉर्मली इसके ऊपर चार्ज का एक लेयर बना हुआ है, इसके ऊपर चार्ज का एक लेयर बना, जैसे कॉइन ले लो, उस कॉइन की एक साइड में एक चार्ज बिछा दो, उस तरह से आपको यहां पे फील्ड निकालना है, आपको यहां से डिस्टेंस एक्स पे फील्ड निकालना है, ठीक है। सिग्मा दिया हुआ है, यहां सिग्मा इसलिए दिया होता है क्योंकि चार्ज जो है एक डिस्क के ऊपर एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो व्हाट इट डिफाइंड इज, ये किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि हम लीनियर चार्ज है, थ्रेड नहीं है, ये किसी वॉल्यूम में पैक नहीं किया हुआ है, वॉल्यूम तो इसकी जीरो है, ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसको अगर मैं यहां से ज्वाइन कर दूं, जिस पॉइंट में फील्ड निकालना है मैं उसको वहां ज्वाइन कर दूं, ये एंगल कितना बनेगा थीटा, ये जो पेरिफेरी है ये क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा थीटा। तो यहां जो फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इंटू वन माइनस कॉस थीटा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इंटू वन माइनस कॉस थीटा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये होता है यहां पर फील्ड। तुम कॉस थीटा को लिख सकते हो, तुम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, एक्स बाय, तुम चाहो तो कॉस थीटा को लिख सकते हो एक्स बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही ना। सही है ना, सिक्स्थ। पहले मैं सिक्स्थ लिखूं, उससे पहले तुम्हें पहले लिख लो, राइट इट डाउन। होलोस्फेरिकल सेल का मतलब है कि चार्ज जो है पूरा इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में नहीं है। तुमको इस केस में बताना है इसका फील्ड क्या होगा। तुम यहां इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हो, या तो क्यू और आर दे दो, टोटल चार्ज क्यू रेडियस आर, या तुम इसको सिग्मा भी दे सकते हो। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, रिलेटेड ये टोटल चार्ज क्यू बाय टोटल एरिया, ये 4 पाई आर स्क्वायर है ना। आपको इसका फील्ड निकालना है। हम कह रहे हैं कि अगर आप यहां से आर डिस्टेंस पे गए हैं सेंटर से, या अगर आप आर डिस्टेंस पे गए हैं सेंटर से, तो जब भी तुम बाहर जाओगे ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तुम अगर एक बार इस सरफेस के बाहर चले गए, ये पूरा का पूरा स्फेयर सेंटर पे पॉइंट चार्ज बन जाएगा। सो ई आउटसाइड होगा, ई आउटसाइड होगा सेम एज ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आर जो है स्मॉल आर वेरिएबल है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, जबकि ये आर जो है कॉन्स्टेंट है, ये क्या है रेडियस ऑफ द स्फेयर, ये आर जो है वेरिएबल है। दिस इज आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ई इन साइड। सो दिस इज वॉट सेम एज ड्यू टू पॉइंट चार्ज है कि नहीं, सेम एज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस एट द सेंटर। सही है ना, व्हाट इज ई इन साइड, अंदर में फील्ड आएगा जीरो, अंदर में फील्ड कहीं नहीं होता है, पूरा का पूरा फील्ड अंदर में फील्ड जीरो होता है, ठीक है। तो बाहर के लिए पॉइंट चार्ज मान लो, अंदर के लिए फील्ड जीरो होता है होलोस्फेरिकल सेल में। सेवेंथ, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक स्फीयर है, इसके पूरे वॉल्यूम में
इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज पैक किया हुआ है, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज पैक किया हुआ है। इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज पैक किया हुआ है। यहां तुम इसको डिफाइन कर सकते हो, चार्ज है क्यू, रेडियस है आर। तुम यहां एक और चीज डिफाइन कर सकते हो, रो। रो क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली किस वॉल्यूम में? 4/3 πr³। एग्रीड? तो तुम यहां पर फिर से वही करोगे। अगर तुमको अंदर में फील्ड निकालना है, अगर तुमको अंदर में फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस पे, या तुमको बाहर में फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस पे, ई आउटसाइड होता है सेम एज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब क्या आ गया? के क्यू बाय आर स्क्वायर। जब बाहर निकल जाओगे, ये पूरा का पूरा स्फेयर पॉइंट चार्ज बनके सेंटर पे चलाएगा। वंस यू आर आउटसाइड दिस स्फेयर, दिस एंटायर पॉइंट चार्ज बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज प्लेस एट द सेंटर। कोई फर्क नहीं होता है। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। यहां हम आर कैप दे सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में। ई इनसाइड होता है के क्यू बाय आर क्यू, जो कि कॉन्स्टेंट है, टाइम्स ऑफ आर, यानी ये प्रोपोर्शनल टू आर। देखो ये कॉन्स्टेंट है, के क्यू बाय आर क्यू टाइम्स ऑफ आर, इनसाइड पॉइंट पे। कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ, अपन ये जो चार्ज ले रहे हैं हर बार पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट ले रहे हैं, अगर नेगेटिव हो तो? हाँ, नेगेटिव होगा तो खुद माइनस साइन आ जाएगा, मतलब रेडियली आउट की जगह रेडियली इन हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो आउटसाइड दोनों में कॉमन है, आउटसाइड दोनों में कॉमन है। एक बार तुम बाहर चले गए ना, तो हॉलो स्फीयर था या सॉलिड स्फीयर था फर्क नहीं पड़ता है, या पॉइंट चार्ज था, सब एक एक जैसा बिहेव करता है। जब तक अंदर हो, अंदर में कोई चार्ज था ही नहीं, फील्ड जीरो अंदर में। यहां पे क्या होता है? के क्यू बाय आर क्यू इनटू आर। इसको डिराइव करूंगा तीन मेथड से, जब इसको डिराइव करूंगा तीन तीन मेथड से करूंगा। पहले ये समझ लो ये फॉर्मूले का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है? एक बात और समझ लो, मेटल या कंडक्टर, उस पर तुम कभी भी ऐसा चीज नहीं बना सकते हो। मेटल या कंडक्टर की खासियत होती है, उसमें जब भी चार्ज दोगे ना, वो सरफेस पे चला जाएगा। तुम मेटल या किसी कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज इंजेक्ट भी कर दोगे ना, चार्ज लाके उसका इंजेक्शन दे भी दोगे वॉल्यूम में, तो वो सारा चार्ज सरफेस पे लौट आएगा, अंदर रहेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ पॉसिबल है किसमें? इंसुलेटर में। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस टाइप ऑफ चार्ज, जहां तुमने पूरे वॉल्यूम में चार्ज को पैक किया है, जहां तुमने पूरे वॉल्यूम में, पूरे इंटीरियर में चार्ज को पैक किया हुआ है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन कंडक्टर्स। ओनली पॉसिबल इन इंसुलेटर्स, या इसको डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हो। तुम प्लास्टिक के अंदर, लकड़ी के अंदर चार्ज को भर सकते हो, बट तुम लोहे के अंदर चार्ज को नहीं भर सकते हो। लोहे में जब भी तुम चार्ज डालोगे, सब सरफेस पे आ जाएगा। इसीलिए भले एक सॉलिड स्फीयर, एक लोहे का सॉलिड स्फीयर है, तुम उसमें चार्ज डाल दो, भले मास के टर्म में वो सॉलिड स्फीयर है, वो मास के टर्म में सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि मास पूरे वॉल्यूम में है, बट चार्ज के टर्म में वो क्या बनता है? हॉलो स्फीयर ही बनता है। दिस इज ऑटोमेटिक, दिस इज नेचुरल, दिस इज नेचुरल इन केस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का ये नेचर ही होता है कि मैं यहां भी चार्ज छोड़ दूंगा ना, तो सारा चार्ज बह के सरफेस पे चला जाएगा। क्यों होता है बाद में बताऊंगा, सबका सब चार्ज। इसीलिए तुम ये चीज सिर्फ कंडक्टर में कर, सिर्फ तुम इंसुलेटर में कर सकते हो ऐसा वॉल्यूम, बट ये वॉल्यूम तुम इंसुलेटर पे भी कर सकते हो,
और कंडक्टर पे भी कर सकते हो, दोनों पे। मेरे पास एक प्लास्टिक का बॉल है, सॉलिड बॉल, मैं अगर उस प्लास्टिक के सॉलिड बॉल पे सरफेस पे चार्ज रख दूंगा तो सरफेस पे ही रहेगा, अंदर भर दूंगा अंदर चला जाएगा। दोनों चीज पॉसिबल है, प्लास्टिक में या लकड़ी में, दोनों पॉसिबल है। मैं अंदर भी चार्ज भर सकता हूं और सरफेस पे भी भर सकता हूं, जहां रख दूंगा वहीं रहेगा, जहां रख दूंगा वहीं रहेगा। बट सॉलिड के केस में मैं ये नहीं कर सकता हूं, सिर्फ ये कर सकता हूं। सॉलिड में ये पॉसिबल नहीं है, इंसुलेटर में तो तुम जहां रख दोगे वहीं रहेगा। वैसे बता दिया इंफॉर्मेशन के लिए, इसको लिख लो, इसको लिख लो। आउटसाइड में हमेशा सेम एज पॉइंट चार्ज होता है, सेम एज ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। अगर एक हाफ हॉलो स्फेरिकल सेल है, हाफ या सेमी स्फेरिकल सेल, ये एक सेल है इस तरह से, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको यहां पे फील्ड निकालना है। सिग्मा दिया हुआ है इसका चार्ज पर नेट एरिया, जो कि सिंपल क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू बाय 2πr² होगा ना। क्या हुआ, नहीं फेस पे नहीं है, वही तो बता रहा हूं फेस पे नहीं है। मैंने क्या किया, एक हॉलो फुटबॉल लिया, उसके ऊपर चार्ज को फैला दिया, फिर उसको बीच से काट दिया, तो खुद ही फैल जाएगा ना। क्या तो मतलब फेस ही नहीं है, फेस ही नहीं है ना। ये है, ये 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 देखो, ये है, ये है, ये देख रहा है ना, इसको यहां से काट दिया, ये तो खाली है ना, मटेरियल है ही नहीं यहां, सही रहो ना। यहां फील्ड कितना होगा, ये आएगा तुम्हारा सिग्मा बाय 4ε₀, एंगल बायसेक्टर की डायरेक्शन में होगा, सिमेट्री की डायरेक्शन में, ये होगा सिग्मा बाय 4ε₀। क्वेश्चन में सिग्मा दिया है, सिग्मा के टर्म में लिखोगे, क्वेश्चन में क्यू दिया है, रेडियस दिया है, तो सिग्मा को लिख दोगे क्या, क्यू बाय 2πr², क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr² का हाफ। एग्रीड। नाइन्थ, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, इसमें पूरा चार्ज पैक किया हुआ है, इसमें पूरा चार्ज पूरे वॉल्यूम में पैक है, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज पैक किया हुआ है। इसका रेडियस है यार, इसका रो दिया हुआ है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू है क्यू बाय 2/3πr³, क्यू बाय 2/3πr³। तो ये जो है ये आ जाएगा फील्ड इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ आर बाय 4ε₀, रो टाइम्स ऑफ आर बाय 4ε₀, रो टाइम्स ऑफ आर बाय 4ε₀, ठीक है। सो दिस इज योर फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री।
देखो इसको, अब मैं इसका डेरिवेशन और वो ले रहा हूं। हमने पहला फॉर्मूला लिखा था एक रॉड का, ऐसे करके था एक रॉड, और आपको यहां पर निकालना था फीट। इस पे टोटल चार्ज है क्यू, टोटल लेंथ एल, आपको यहां निकालना है फील्ड। मैं कहता हूं कि मुझे फील्ड का फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज का पता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, यहां से डिस्टेंस एक्स पे जाता है, हम यहां से डिस्टेंस एक्स पे जाते हैं और यहां एक छोटा सा लेंथ कट करते हैं डीएक्स। हम एक्स और डीएक्स के बीच में छोटा सा लेंथ कट करते हैं। इस पॉइंट, इस लेंथ में जो चार्ज कटेगा, माइक्रोस्कोपिक चार्ज, वो होगा dq इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू dx, होगा ना? क्योंकि l लेंथ में चार्ज कितनी थी, q, यूनिट लेंथ में क्या होगा, q बाय l, सो dx लेंथ में क्या होगा, q बाय l dx। इसके कारण यहां से डिस्टेंस x पे फील्ड कितना होगा बताओ, dE कितना हो जाएगा, के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर होगा। व्हाट इज डी क्यू, क्यू बाय एल डी एक्स। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्जेस कटेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्जेस कटेंगे और सबका फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो सब कुछ जोड़ देना है। इस टाइप के जोड़ने को, समेशन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दे तो हमको टोटल फील्ड मिल जाएगा। तो निकाल लो टोटल फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाय एल कांस्टेंट डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर। एक्स को कहां से कहां लेके जाओगे, पहला एक्स कहां काटोगे, पहला तुमको एलिमेंट कहां मिलेगा, डिस्टेंस आर पे, और लास्ट कहां मिलेगा, आर प्लस एल पे मिलेगा ना। वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाय एल, ये हो गया माइनस वन बाय एक्स, तो वन बाय आर माइनस वन बाय आर प्लस एल, सो दैट वुड बिकम इक्वल टू के क्यू बाय एल, आर प्लस एल माइनस आर, एल एल बाय आर इंटू आर प्लस एल, ये और ये कट गया। सो फील्ड आ जाएगा के क्यू बाय आर इंटू आर प्लस एल। एग्रीड? यस। मैं इसको ये भी लिख सकता था, मैं इसको भी लिख सकता था फील्ड इज इक्वल टू, तो देखो ना तो तुमको डिस्टेंस, अगर तुम इस पूरे रॉड को पॉइंट चार्ज बनाना चाहते हो तो तुम इसको कहां पे रखोगे, तुम इस पूरे रॉड को पॉइंट चार्ज बनाना चाहते हो तो कहां रखोगे, ना तो यहां रखो आर डिस्टेंस पे, ना तो यहां रखो आर प्लस एल डिस्टेंस पे। इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से इस एंड से आर, और इस पॉइंट का इस एंड से डिस्टेंस आर प्लस एल, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लो। अब समझो, तुम ये भी लिख सकते थे इसको ई इज इक्वल टू के लैम्डा, क्यू बाय एल को क्या बोल रहे हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या बोल रहे हैं, लैम्डा, वन बाय आर माइनस वन बाय आर प्लस एल, सही है, लैम्डा तो कांस्टेंट है, लैम्डा तो कांस्टेंट है, सही है। सही है। yes. अब समझो इरोडोव का एक क्वेश्चन है, मैं कल से इरोडोव स्टार्ट करा रहा हूं। इरोडोव का एक क्वेश्चन है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, कैसा है, इस तरह से देखो, ये कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड है, इसका लेंथ इनफाइनाइट है और चार्ज कितना है, लैम्डा, जो कि एक कांस्टेंट है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट, समझ रहे हो, एक इनफाइनाइट थ्रेड है, एक इनफाइनाइट थ्रेड है,
जिसपे चार्ज कितना है, चार्ज भी इनफाइनाइट होगा भाई। अगर इनफाइनाइट रॉड है तो चार्ज भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, बट दोनों का रेशियो फाइनाइट है। समझ रहे हो, चार्ज भी इनफाइनाइट है और लेंथ भी इनफाइनाइट है, लेकिन दोनों का रेशियो जो है फाइनाइट है। कितना है, लैम्डा। एग्रीड? यस। आपसे पूछा गया है कि ये एंड है, एक एंड यहां है और दूसरा एंड कहां है, इनफाइनाइट पे है। इस एंड से, इस एंड से डिस्टेंस आर पे फील्ड कितना होगा, इस एंड से डिस्टेंस आर पे फील्ड कितना होगा। तो ये मत समझना कि इनफाइनाइट थ्रेड है तो इनफाइनाइट चार्ज है तो फील्ड भी इनफाइनाइट होगा, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तुमको लैम्डा दे दिया है, जब भी किसी चीज का इलेक्ट्रोस्टैटिक में साइज इनफाइनाइट होता है वह लैम्डा या सिग्मा या रो दिया होता है, आंसर फाइनाइट निकलता है। क्योंकि इसका लेंथ इनफाइनाइट है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज इनफाइनाइट होगा लेकिन लेंथ भी इनफाइनाइट है, तो चार्ज बाय लेंथ फाइनाइट है। तुमसे यहां पर फील्ड पूछा गया है तो क्या करोगे, इस फॉर्मूले में आर को क्या रखोगे, आर इस फॉर्मूले में आर को क्या प्लेस करोगे, इस एंड का डिस्टेंस कितना है आर। एग्रीड? यस। और दूसरे एंड का डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। तो फील्ड कितना आएगा, के लैम्डा बाय आर। तो यहां तुम्हारा फॉर्मूला होगा के लैम्डा 1/r - 1/∞, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये एंड आर डिस्टेंस पे है और दूसरा एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो ये वैनिश कर जाएगा, ये हो जाएगा के लैम्डा बाय आर। एग्रीड? यस। इसको लिखो, इसको लिखो। दूसरी बात, मेरी मर्जी मैं क्या पूछूंगा, मेरी मर्जी मैं क्या पूछूंगा, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया, अगर पूछा गया तो ये क्वेश्चन मैंने खुद सोचा, बाद में पता चला इरोडो में दिया हुआ है। अब मैं सेकंड केस पे आऊंगा, ठीक, मैं देखता हूं सेकंड केस में। हम एक बार किसी डिस्टेंस से रॉड की डिस्टेंस होगी जीरो तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट ना, होगा कि नहीं। ओके, लेट अस सी फर्स्ट सेकंड केस। हमने तुमको ये बताया था कि ये एक तुम्हारे पास रॉड है इस तरह से, मैं मान लो यहां पर इसका फील्ड निकालना चाहता हूं, कहां पे, यहां पे मैंने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, इस एंड से, और इसको भी इस एंड से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है अल्फा, ऊपर थीटा, ये एंड जो है ये ए से लेकर बी तक गया। मैंने कहा था कि ये जो फील्ड होता है रेडियल कंपोनेंट, ई रेडियल या कह सकते हो ई एक्स, इसको मैंने बोला था के लैम्डा बाय आर साइन थीटा प्लस साइन अल्फा, बताया था। और मैंने बताया था अगर आप यहां पर ले रहे हैं, अगर आप यहां पर ले रहे हैं ऊपर की तरफ फील्ड का वाई कंपोनेंट, तो ये है के लैम्डा बाय आर, यहां कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होता है, तो कौन सा एंगल पहले लोगे, मैंने फील्ड लिया है ऊपर तो थीटा पहले लूंगा, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा। मैं इसको नीचे भी ले सकता था, ये कंपोनेंट हमेशा रेडियली बाहर होगा, बट ये ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है। मैं अगर इसको नीचे लेता तो क्या लिखता, कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा, जिधर ले रहा हूं वो एंगल पहले लेंगे। इसको मैं डिराइव करूं, इसके पहले मैं तुम्हें इसका कुछ बता रहा हूं। पहला,
स्पेशल केसेस, इसका फर्स्ट स्पेशल केस है इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको ऊपर लेके चलता चला जाऊं, अगर मैं इस बी को ऊपर लेके जब जाऊंगा तो थीटा बढ़ेगा कि नहीं, और अगर मैं इस ए को नीचे लेके चले जाऊं इनफाइनाइट तक, अल्फा बढ़ेगा कि नहीं? फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब हुआ आप यहां पर हैं, आप यहां पर, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, जब आप इसको इस एंड से मिलाएंगे और जब आप इसको इस एंड से मिलाएंगे तो ये एंगल भी टेंडिंग टू 90 होगा और ये भी टेंडिंग टू 90 होगा। अगर आप इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की बात जो है करेंगे तो आप पाएंगे थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, अल्फा टेंड्स टू 90 डिग्री, सो यू वुड गेट व्हाट इज ईएक्स, 2k लैम्डा बाय r sin 90 प्लस sin 90। e का x कंपोनेंट क्या होगा, 2k लैम्डा बाय r, और e का y कंपोनेंट कितना आएगा, जीरो आएगा ना, क्यों आएगा? देखो, जब भी तुम कोई एलिमेंट लोगे, जब भी तुम इसके ऊपर किसी डिस्टेंस y और dy में एक टुकड़ा लोगे और जब भी तुम इसके नीचे y और dy में कोई टुकड़ा लोगे, जब भी इसके y dy और नीचे y dy में टुकड़ा लोगे, इसका जो फील्ड होगा इस पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड होगा dy, और उसका मिरर इमेज नीचे है, उसका जो फील्ड होगा ऐसे dy, क्या दोनों का y कंपोनेंट कैंसिल कर जाएगा? करेगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट है, हर टुकड़ा जो ऊपर लोगे उसका एक मिरर इमेज का टुकड़ा नीचे भी है, और उन दोनों का फील्ड इस तरह से है कि उनका x कंपोनेंट जुड़ रहा है, उनका y कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट, तो वो कैंसिल होगा ही, तो ई वाई जीरो है। तो याद रखना इनफाइनाइट वायर के केस में 2k लैम्डा बाय r होता है, 2k लैम्डा बाय r, ठीक। दूसरा, सेमी इनफाइनाइट वायर, इसका मतलब क्या है, एक एंड के सामने है ये पॉइंट और एक एंड इनफाइनाइट पे, ये है इसका मतलब, ये है समझना, सेमी इनफाइनाइट का मतलब दिस डेप्थ इज इनफाइनाइट, ये डेप्थ जो है इनफाइनाइट है, नीचे ये कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक, और सामने यहां पर पॉइंट है, पॉइंट यहां पर है, तुमको यहां पर फील्ड निकालना है, नीचे इनफाइनाइट है और यहां पे फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे? अब बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस केस थीटा जीरो, क्या थीटा जीरो है और अल्फा 90 डिग्री है? देखो तो, अगर हम इस एंड को, अगर हम इसको इस एंड से मिला दें, ये कितना बनाएगा 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, और अगर हम इसको दूसरे एंड से मिला दें ऐसे करके, ये कितना बना रहा है, जीरो डिग्री। तो यहां मैं डाल रहा हूं थीटा जीरो अल्फा 90, थीटा जीरो अल्फा 90, ये कंपोनेंट कितना आएगा बताओ, के लंबा बया, थीटा जीरो अल्फा 90, ये कंपोनेंट क्या आएगा बताओ, के लैम्डा बाय कॉस जीरो माइनस कॉस 90 कितना होगा, के लैम्डा बाय आएगा, थीटा जीरो अल्फा 90, इसका नेट रियल टेन क्या हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, रूट टू के आर के लैम्डा बाय आर होगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री आएगा,
सही है। हमने यहां पर क्या बोला, इसको इसको इस एंड को नीचे लाते 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 यहां, जब हम इस एंड को नीचे लाएंगे तो थीटा घटेगा, लाते लाते हमने इस एंड को ठीक इसके सामने ले आए तो थीटा कितना हो गया घटते घटते, ये थीटा डिक्रीज करते करते कितना हो गया जीरो, और इस एंड को नीचे ले आ रहे हैं तो ये अल्फा बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा को रख दो जीरो, अल्फा को रख दो 90, थीटा को रख दो जीरो, अल्फा को रख दो 90, तो एक्स और वाई कंपोनेंट सेम आएगा। नेट यहां जो फील्ड बनेगा वो बनेगा अंडर रूट स्क्वायर रूट टू के लैम्डा वायर एट एंगल ऑफ 45 डिग्री बनेगा ना।